इस वक्त की खबर काशीपुर से है, जहां काशीपुर के बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 11 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह का भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। जी हां, कार्यक्रम कल यानी 4 नवंबर 2022 को होना सुनिश्चित हुआ है, जिसकी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान समस्त वैवाहिक रीति रिवाजों से जुड़े कार्यक्रम माँ बाल सुंदरी मंदिर काशीपुर के मुख्य पंडा विकास कुमार अग्निहोत्री द्वारा कराए जाएंगे। साथ ही संस्था के लोगों ने बताया कि कार्यक्रम की भव्यता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन व चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम की व्यवस्थात्मक रूपरेखा को लेकर क्या बोले संस्था के पदाधिकारी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम को जो है हम लोग भव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि आम जनता का कार्यक्रम, आम जन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमें सभी लोग, हमारे जो भी अतिथि आएंगे, चाहे कोई भी किसी उसका हो, वो सभी हमारे लिए सम्मानित है। सभी अतिथि हैं, सभी का हम सम्मान करेंगे और सभी वहाँ पर जाके प्रसाद ग्रहण करेंगे। और ये बारात 10 बजे वहाँ से स्टार्ट होगी 11 घोड़ों पर, और 11 घोड़ों पर आतिशबाजी के साथ स्टार्ट होगी। आतिशबाजी के साथ साथ उसमें बलराम प्रजापति एन पार्टी की तरफ से विशेष झांकियाँ, इसमें शोभा यात्रा भी मौजूद रहेंगी। और उस शोभा यात्रा जो भी है उसमें भगवान शंकर की भोले की बारात सबसे आगे होगी झांकी। इसके अलावा और अन्य झांकियाँ भी होगी। इस शोभा यात्रा के जो प्रमुख है यहाँ के काशीपुर के जो कोतवाल पुराने रह चुके विजय चौधरी, वो पूर्व कोतवाल रह चुके, उनको शोभा यात्रा प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। उनके सहयोग में नीरज कांटपाल सहयोगी के रूप में रहेंगे। ये सारे लोगों की टीम बनती है, कार्य आवंटन सभी लोगों को कर दिया गया है, उसकी भी जो है सूचना दे दी गई है। कल 8 बजे सभी लोग वहाँ पे, जो हमारी टीम आएगी, इसके बाद सभी लोग वहाँ से हम लोग जलपान करके उनको कार्यक्रम की जानकारी देके हम सभी लोग वहाँ पहुँच जाएंगे रामला मैदान। आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया 10 बजे के आसपास सभी लोग रामला मैदान पहुँचे, क्योंकि बारात वहाँ से स्टार्ट होगी और इसके बाद वो 2 बजे तक, लगभग 1:30-2 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगी। इस बार विशेष बारात की जो है व्यवस्था की गई है, उसमें क्या है कि फूलों की वर्षा आपके इस पे चीमा चौक पे होगी, इसके अब मंडी के चौक पे होगी, मंडी तराया जो पुरानी अनाज मंडी है, यहाँ भी फूलों की वर्षा होगी और वहाँ भी बारात पहुँचेगी तो वहाँ भी फूलों की वर्षा की जाएगी। और इसके बाद बारात जो है सभी हम लोग स्वागत समिति समिति है हमारी, उसमें सभी लोग हैं हमारे जो है आयोजन है, आयोजन समिति है, विवाह समारोह आयोजन समिति, वो सभी लोग उसका बारात का स्वागत करेंगे और आम जो जनता सम्मानित जनता है सभी उसका स्वागत करेंगे। और इसके बाद विवाह के सारे कार्यक्रम आप विकास पंडा जी की देखते माँ भगवती देवी चेती मंदिर के प्रांगण में इस ये आयोजन होने जा रहा है और काफ़ी भव्य इसका रूप वहाँ पर होगा। हमारी जो व्यवस्था है वो वर की जो बारात है वो रामलीला प्रांगण से होते हुए चेती प्रांगण में पहुँचेगी। सुबह 10 बजे से इसकी बारात का आयोजन होगा और दोपहर 1 बजे से फेरों का और उसके बाद में खाने की व्यवस्था वहाँ सब लोगों की व्यवस्था वहाँ होने जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर वर वधु को उपहार के रूप में भी सामान दिया जाएगा और अतिथियों का भी वहाँ पर स्वागत होगा। खाने की भी पूर्ण रूप से व्यवस्था वहाँ हम लोगों ने कर रखी है। हम लोग इस आयोजन को एक भव्य रूप में देखना चाहते हैं। कितनी कन्याओं की शादी करोगे? 11 निधन कन्याओं की। और कितने लोगों के पहुँचने की? करीब 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वर वधु के मेहमान लोग भी होते हैं उनके, और हमारे जो अतिथि होते हैं वो भी वहाँ पर आते हैं। अब तक कितनी संस्था ने कितनी गरीब कन्याओं की शादी? करीब 125 कन्याओं का वहाँ विवाह हो चुका है। जो हमारे संस्था द्वारा है 11 विवाह करा जा रहे हैं, तो उसी के अनुसार वहाँ पे 11 विधियाँ तैयार कराई गई हैं, जिसमें पंचोपचार पूजन के उपरांत वहाँ सप्तपदी जो है परम्परा कराई जाएगी। और सप्तपदी परम्परा जो हमारे सनातन की पद्धति है, उसके अनुसार ही वहाँ पूजन पद्धति होती है, इसके अनुसार वहाँ विवाह कराया जाता है।